यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कार्टून टाइप की वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हो एक एंड्रॉइड मोबाइल से। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो इस तरीके की वीडियो आप लोग भी अगर आप बनाना चाहते हो तो एकदम सही वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक करा है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की वीडियो कैसे बनाना है, आपको क्या क्या जो कि एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो सारा कुछ चलते मोबाइल की स्क्रीन में, वहां पर आपको चल के अच्छे से बताते हैं। को चले जाना है स्नैपचैट एप्लीकेशन में। स्नैपचैट एप्लीकेशन तो ज्यादातर सभी के बंदे पास होगी, अगर नहीं है तो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्नैपचैट जब आप एप्लीकेशन ओपन कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पे आपको सर्च वाले आइकन पे चले जाना है। सर्च ऊपर सर्च वाला आइकन होगा, यहाँ पर आपको लिखना है CARTOON कार्टून, और यहाँ पे लिखना है किड। कार्टून किड आपको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको वही वाला कार्टून वाला जो कि फिल्टर होता है वो मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे ये वाला फिल्टर आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसा ही हमारा जो कि ये वाला कार्टून वाला फेस बन चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टोटली फुल वीडियो पूरी कार्टून वाली बनानी है तो आप इजीली इसके ऊपर ऐसे आप यहाँ पे ऐसे बना लेना। आपको अगर दूसरी मेल की वीडियो बनानी है तो वो कैसे बनाना है तो वो बात कर लेते हैं। दूसरे मेल की किस तरीके से, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में जो कि आएगा जो कि रियल वाला फेस आएगा, आपको क्या करना है स्टार्टिंग में आपको रियल वाले फेस की थोड़ी सी ऐसी क्लिप आपको शूट कर लेनी है। तो जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख यूज कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करने के बाद आपको डिस्कार्ड कर देना है इसको, और फिर से आपको सर्च वाले आइकन पे जाना है। यहाँ पर आपको कार्टून किड वाला जो कि है वो सर्च कर लेना है, तो यहाँ पर मैं कार्टून किड वाला सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर आपको कार्टून वाला फेस के साथ भी एक बार जो कि यहाँ पर शूट कर लेना है। जैसे आपने बिना कार्टून वाला फेस लगाए शूट करा है वैसे ही आप इस तरीके से यहाँ पर भी शूट कर सकते हो। तो जैसे भी हो जाएगा और वैसा भी हो जाएगा, मतलब आपका जो कि ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा। वो कैसे होगा तो वो एडिटिंग में आपको चल के मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको फुल वीडियो जो कि शूट करना है तो वो आप फुल वीडियो कार्टून वाले से आप इजीली उसमें कोई सॉन्ग लगा सकते हो, या फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पहले आपका ओरिजिनल फेस आएगा, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, उसके बाद कार्टून वाला आएगा, या फिर पहले कार्टून वाला आएगा उसके बाद आपका ओरिजिनल आ जाएगा ये बिना फिल्टर वाला। तो ये कैसे करना है तो ये चलते मोबाइल की स्क्रीन में, वहाँ पर आपको चल के अच्छे से बता दें। VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ से आपको वो वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको वो वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टोटली जो कि वैसा बनाना चाहते हो कैसा, जैसे कि आप बनाना चाहते हो फुल वीडियो जो कि इसके ऊपर कार्टून वाले के ऊपर अगर आप सॉन्ग लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली कैसे लगा सकते हो। ऊपर यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ से आप इजीली कोई भी सॉन्ग लगा सकते हो। अगर आप लोग कोई रील्स का सॉन्ग लगाना चाहते तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको म्यूजिक वाले पे क्लिक करना है। म्यूजिक वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पर आपको जाना है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, ठीक है, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर आपकी सारी रील्स आ जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो सी भी रील्स का सॉन्ग लगाना है वो आप यहाँ पे रील्स का सॉन्ग लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारा रील्स का सॉन्ग आ गया ऊपर, इसको चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको लगा देना है, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पर आपका क्या है कार्टून वाला फेस तो आएगा आएगा, वो कार्टून वाले फेस के बाद आपको ओरिजिनल फेस आ जाएगा, तो वो कैसे करना है तो वो बात कर लेते। सबसे पहले मैं इसको ऑडियो को म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का इशू है। इस तरीके से यहाँ पर आपका हो गया, उसके बाद आपको इसको कट कर देना है, कैंची वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको कट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद वीडियो में जाने के बाद आपने जो बिना फिल्टर का जो कि शूट करा था ना वो ले लेना है। वो लेने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका कार्टून वाला फेस आएगा, कार्टून वाले फेस के बाद आपका ओरिजिनल फेस आ जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख सकते हो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल फेस आ गया, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमारा कार्टून वाला फेस आएगा, उसके बाद हमारा ओरिजिनल फेस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद अच्छे से शूट करते हो, उसके बाद यहाँ से अगर आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे इस ये वाला इफेक्ट जूम वाला, ठीक है, उसके बाद इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ये कि आपको एक ही लेंथ में शूट करना है, मतलब हिलाना डुलाना नहीं है, मैंने अलग अलग तरीके से शूट कर लिया तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको एक ही तरीके से फ़ोन हिलाना नहीं है, फिल्टर लगा के भी आपको उसी तरीके से शूट करना है, और बिना फिल्टर
के भी उसी तरीके से सूट करना है। उसके बाद बीच में जाने के बाद यहाँ पे आप ये लगा सकते हो। उसके बाद इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आप इस तरीके से इफेक्ट भी लगा सकते हो। तो इससे वीडियो क्या है कि आपकी और अट्रैक्टिव लगने लगेगी और अच्छी लगने लगेगी। तो आपको इफेक्ट लगा लेना है, उसके बाद ऊपर सेव कर लेना, आपकी एकदम अच्छे से वीडियो कार्टून वाली वीडियो है वो बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।